हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखें। और आज मेरा यह वीडियो जो है ना दोस्तों, यह ठंड से ही रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष जो है ठंड का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। कई न्यूज़ पेपर्स में और जो है टीवी में दिखा भी रहे हैं कि कई वर्षों बाद, मतलब बहुत वर्षों बाद, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है भारत में। सभी जगह पर ठंड का जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो इतनी ज़्यादा ठंड में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इतनी ज़्यादा ठंड में हम खुद को और अपने घर वालों को कैसे सेफ रख सकते हैं? कैसे हम ठंड से, सर्दी से बच सकते हैं? इस सब चीज़ों के उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि बिल्कुल रामबाण के तरीके है। आज मैं अपने वीडियो में आपको दोस्तों जो भी उपाय सर्दी से बचने के लिए बताऊंगी, वह बिल्कुल रामबाण है। और अगर आप उन्हें आजमाएंगे तो निश्चित 2 या 3 दिन में ही आपकी सर्दी, अगर है आपको पहले से ही सर्दी है, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं भी है तब भी आप, इतनी सर्दी पड़ रही है तो अगर आप इन टिप्स को जो है अपने सर्दी भर फॉलो करती रहेंगी, तो आपको या आपके परिवार में किसी भी इंसान को सर्दी या जुखाम, खांसी वगैरह कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ राधे चैनल से, और मैं इस चैनल पर बात करती हूँ आपसे अपनी लाइफस्टाइल, ब्यूटी टिप्स, पूजा पाठ, ऑल इन वन टॉपिक पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी बातें अपने चैनल के थ्रू बता सकूं, और जो है महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो आपसे शेयर कर सकूं जो है। तो ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि सर्दी से बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ कि सरसों का तेल अगर आपके घर में है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है काम आएगा आपको सर्दी से बचाने में। अगर नहीं है, बहुत से लोग जो है आज के टाइम पर सरसों का तेल नहीं यूज करते हैं, रिफाइंड वगैरह यूज करते हैं, तो नहीं है तो मेरी सलाह मानिए, इस सर्दी में आप जो है एक सरसों तेल जो है 1 लीटर मंगा लीजिए। कोशिश करिए जो अच्छा सरसों का तेल मंगाइए, हो सके अगर घर का मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर घर का नहीं मिल रहा है तो आप जो है पतंजलि का सरसों का तेल जो है आप मंगाइए, और उस सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपने एक कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी में जो है सरसों का तेल लिया है, तो उसमें इतना बड़ा जो है कपूर का जो है टुकड़ा डाल दीजिए और उसको ऐसे ही रख दीजिए। कुछ देर में जो है वो घुल जाएगा, कपूर जो है सरसों के तेल में बिल्कुल जो है घुल जाएगा। नहीं भी घुल रहा है तब भी 1 से 1.5 घंटे बाद उसमें जो है थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल दीजिए। सरसों के तेल और कपूर मिला के जो आपने रखा है, 1-1.5 घंटे बाद उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल दीजिए, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक किसी डिब्बी में भर कर रख लीजिए। ठीक है, और जो है अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी लग चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा जो है छींकें आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा उसको जो है निमोनिया के लक्षण आपको लग रहे हैं कि इसको निमोनिया के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं, या उसको निमोनिया पहले से ही है, या वो कई महीने पहले निमोनिया जो है उसको रहा है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में है तो यह जो तेल है उसको गुनगुना कर कर दिन में 2 बार जो है उसके सीने पर अच्छे से उसकी मालिश कर दीजिए। ठीक है, तो इस तेल से मालिश करने पर निमोनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तारपीन का तेल और जो है कपूर सरसों का तेल मिलाकर जो है आप बना लें, उसको गुनगुना करके अगर आप लगाएंगे 2 बार, तो किसी भी व्यक्ति को निमोनिया हो या उसको निमोनिया के लक्षण हो या पहले उसे निमोनिया रह चुका हो, क्योंकि उसको अगर पहले हो चुका है तो इस सर्दी में उसको इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उसे दिन में 2 बार सीने में उसके इस तेल से मालिश करें। तो दोस्तों जो है मान लीजिए बिल्कुल जो है उसका निमोनिया ख़त्म हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। और दूसरा आपको मैं उपाय बताती हूँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को अधिकतर ये दिक्कत हो जाती है, उनके जो है हाथों की उंगलियों में और जो है पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है उंगलियों में, मेरे भी आ जाता है। और देखिए हर बार मेरी सर्दियों में ये जो फिंगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इनमें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, पर इस बार नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है तभी मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के थ्रू, ऐसा नहीं है, मैंने पहले अपने ऊपर 10 दिन से ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं आपसे ये टिप शेयर कर रही हूँ। तो सरसों के तेल में जो है सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर
उसको गरम करके जो है फिर छान कर एक किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है रात के टाइम जो है सीने में उसको जो है लगाएं, और जो है हाथों और पैरों की उंगलियों पर भी लगाएं। पैरों में जो है सरसों के तेल और सेंधा नमक का जो आपने मिश्र तैयार किया उसको पैरों में गुनगुना करके लगाएं, और हाथों में भी गुनगुना करके लगाएं, और सीने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपको सर्दी से ही जो है ये सब सूजन वगैरह की दिक्कत आई है, तो सीने से सर्दी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है हमारे शरीर पर। तो तीनों जगह लगा लीजिए, और पैरों में ये लगाने के बाद जो है आप मोजे पहन लीजिए। इससे 2-3 दिन में ही आपके जो भी सूजन है पैरों में और खुजली होती है या लालपन हो गया, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई सूजन की समस्या नहीं रहेगी। सेंधा नमक और कड़वा तेल मिलाकर लगाएं, ठीक है। सेंधा नमक और कड़वा तेल का मिश्रण भी आप अपने जो है निमोनिया के मरीज को गुनगुना करके उसके सीने पर लगा सकते हैं, उससे भी जो है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। निमोनिया में समझ लीजिए 99% फ़ायदा मिलेगा अगर आप सेंधा नमक और कड़वा तेल का जो है मिश्रण गुनगुना करके सीने पर निमोनिया के मरीज को लगाते हैं, तो उसका निमोनिया भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी मिश्रण को गुनगुना करके हाथों पैरों की उंगलियों पर भी लगाएं जहाँ पर सूजन है, तो वह सूजन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन घरों में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको सर्दी से बचाना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं। कई बार उनको कपड़े पहनाकर हम तैयार करते हैं, मगर वह कपड़े कहीं गीले कर देते हैं, कहीं वो बाहर खेलना जाना चाहते हैं, टीवी देख रहे हैं, वो खुद से सर्दी बचाना नहीं आता है उनको, तो नहीं अपनी सेफ्टी कर पाते हैं। तो यह हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करें, उनको सर्दी से बचाएँ। तो अपने बच्चों को सर्दी से इस बार कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, तो आपको यह सारे नियम फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपका बच्चा दूध पीता है, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर आपका बच्चा दूध पीता है, तो एक सिरिन बादाम रोगन की सीसी मंगा लीजिए, ठीक है। सिरिन बादाम रोगन ऑयल की सीसी मंगा लीजिए, जो है मान लीजिए 200 रुपये तक की मिल जाएगी इतनी बड़ी सीसी, ठीक है। उसमें जो है अगर आपका बच्चा है 2 या 3 साल से 5 साल के अंदर है, तो उसको 3 ड्रॉप जो है उस तेल की उस दूध में डालकर उसको पिलाएं दिन में एक बार। और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है, 10 साल तक का है, तो 4 से 5 या 6 ड्रॉप जो है दूध में डालकर एक बार दिन में बच्चों को पिलाएं। और अगर आपका बच्चा 10 साल से भी ऊपर है या आप खुद दूध पीते हैं, तो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग 2 या 3 जो है ड्रॉप बढ़ा लें बादाम रोगन सिरिन ऑयल की दूध में डालकर जो है उसको पिएं, पर डे पिएं ठंड भर, तो आपको जो है अंदर से आपको सर्दी से बचने की ताकत मिलेगी। क्योंकि जो ये बादाम रोगन सिरिन ऑयल होता है, तेल होता है, वह बहुत उसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर आप उसके ड्रॉप्स जो हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग दूध में मिलाकर पिएंगी, तो आपको सर्दी से डेफिनेटली जो है राहत मिलेगी। आपके अंदर जो भी आपके ब्लड वगैरह सर्कुलेशन वो भी ठीक होगा, आपको अंदर से गर्मी मिलेगी, और जो है आपको सर्दी से बचने में वो बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। चौथा मैं आपको बता रही हूँ, यह भी 100% जो है डन है कि आपको जो है बेनिफिट देगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस चीज़ से आपको सर्दी में 100% आपको आराम मिलेगा, ठीक है। तो सरसों का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले, उसमें थोड़ा सा जो है लोबान डालकर एक किसी कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और उसको पका लीजिए। मान लीजिए आपने 2 कटोरी सरसों का तेल लिया, ठीक है, तो उसमें 3 बड़े चम्मच लोबान डाल लीजिए और उसको जो है धीमी आंच पर पका लीजिए। जब वह लोबान बिल्कुल काला हो जाए, तो उसको जो है बंद कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, और जब तेल ठंडा हो जाए, तो उस तेल को किसी साफ डिब्बी में या डिब्बे में छान लीजिए। याद रखिए कि जो भी तेल आप बनाएं अपने दिक्कत के अनुसार, उसको जो है प्लास्टिक के डिब्बे में ही रखने की कोशिश करें, क्योंकि कांच में ना रखें। कांच में रखने से कोई नुकसान नहीं है, पर जो है ऑयल हो जाता है अगर किसी कांच के बर्तन में, तो उसको गिरने का, टूटने का, फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप प्लास्टिक के ही डिब्बे में रखें, अगर बाय चांस आपके हाथ से स्लिप भी हो जाता है किसी कारणवश, तो वो टूटेगा नहीं, बच जाएगा, ठीक है। तो यह जो लोबान का और जो है कड़वा तेल मिलाकर, सरसों का तेल मिलाकर आप मिश्रण बनाएंगे, उसे ठंडा करके एक साफ डिब्बे में भर लें, और उसे रात में और सुबह जब भी आप फ्री हों,
आपने हाथों की गदेलियों पर और पैरों के तलवों पर अच्छे से लगाकर मालिश करें, और जो है अपने सीने पर लगाएं, और अगर बच्चे हैं आपके घर में तो उनके हाथों पैरों के तलवों पर मालिश करें अच्छे से, हथेलियों पर मालिश करें, पैरों के तलवों पर सीने पर मालिश करें, उनके पीठ पर मालिश करें। इससे जो है मैं आपको 100% श्योर हूँ कि इससे आप अगर लगाना शुरू करेंगे तो आप 2-3-4 दिन में देखेंगे कि अगर आपके घर में किसी सदस्य को सर्दी है भी तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी इस ठंड में। या जो है आपको जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सरल है और 101% आपको इन उपायों से सर्दी के जो भी नुकसान है वो नहीं होंगे, आप 101% सर्दी से बच जाएंगे। ठीक है, मैं यह चीज़ खुद अपने घर में फॉलो कर रही हूँ यह सभी चीज़ें, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और जिन लोगों को जो है खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में आपको आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को या किसी बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम है, बलगम की दिक्कत है, कफ वगैरह जिसको कहते हैं हो गया है, तो आप सेंधा नमक को कड़वा तेल का जो मैंने आपको पहले ही बताया वो मिश्रण जो है गुनगुना करके उसके सीने में अगर लगाएंगे दिन में 2-3 बार तो उसको जो है उसको कफ से और बलगम से राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो भी आपको आज बताए हैं वो बिल्कुल सरल उपाय हैं और इस ठंड में बचने के उपाय, क्योंकि जो कि ज़्यादा दवा खाने से हमारी जो है शरीर में बहुत नुकसान होते हैं। दवा से हमेशा एक चीज़ फ़ायदा करती है मगर उससे 2 या 3 हमारी बॉडी को नुकसान भी करते हैं, वो धीरे धीरे एज बढ़ने पर पता लगने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करिए कि अगर कोई आपको दिक्कत है, नॉर्मल दिक्कत है, छोटी मोटी परेशानियाँ हैं, तो आप अपने घर में ही उसको सॉल्व कर लें, घर के घरेलू उपायों से अपनी जो है दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अपने इस वीडियो के मार्फत से अधिकतर इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं आपको तो कैसे दूर करें, तो इस चीज़ को आप जो विशेष कर ध्यान दीजिए। और हाँ, सर्दियाँ हैं तो आप अपने बालों को तो अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि सर पर भी बहुत ठंडक लगती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, इस मतलब हर हफ्ते हम क्या करते हैं, महिलाएं या लड़कियां हैं 2-3 बार बाल धोती हैं, तो अगर आपको किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाना है, कहीं बाहर नहीं जा रही हैं, तो कोशिश करिए कि आप हफ्ते में एक ही बार बाल धोएं, और बाल धोने से पहले अपने तेल में गुनगुने सरसों के तेल की मालिश करें। ठीक है, कम से कम बाल धोने से 2 घंटे पहले गुनगुने सरसों तेल से मालिश करेंगी तो आपके बालों के थ्रू जो आपको सर्दी लग आपके सर में जो सर्दी लग चुकी है या लगनी लगी है या जो भी है, तो आपके सर के भी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपके बालों को भी बहुत आराम मिलेगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दोस्तों बालों को मतलब अनगिनत बेनिफिट है सरसों के तेल से बालों को। बाय द वे जो है सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि आपका जो सरसों का तेल है वो प्योर होना चाहिए। अगर आपके घर का है, पहले ही मैंने बताया, तो बहुत अच्छी बात, अगर घर का नहीं है तो आप पतंजलि का सरसों तेल ही यूज करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है यह इस समय बहुत ज़्यादा कारगर है और हर इंसान को जो है इस समय यही याद आ रहा है कि वो सर्दी से कैसे बचा रहा है। दिन भर जो लेडीज अपने घर में किचन में काम करती हैं उनके लिए भी ये है, और जो हमारे घर के जो है जेंट्स हैं बाहर काम पे जा रहे हैं, जब वो घर आते हैं तो उनको भी इससे आराम मिलेगी, क्योंकि जो आप तेल बना रहे हैं उनके भी तलवों पर लगाएंगे, उनके हाथों पर लगाएंगे, तो जो है 100% उनको जो दिन भर सर्दी रही है, जो वो बाहर रहे हैं उस सर्दी से वो बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह कोई फालतू बात नहीं है, कोई हंसी मजाक का टॉपिक नहीं है। इस सर्दी में आपने दोस्तों परिवारजनों को सुरक्षित रखने के लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस सर्दी में सुरक्षित रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।